गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम खोलराउशला के न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे कि खोलराउशला के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, पेपर में आता है बहुत बार, दो नंबर में या तीन नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो नंबर का न्यूमेरिकल होता है और एक नंबर में कोई भी थ्योरी का पार्ट पूछ लिया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को करना बहुत ईजी है। आज हम यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे कि हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ खोलराउशला। खोलराउशला का जो न्यूमेरिकल है उसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें जो मोलर कंडक्टिविटीज़ गिवन है, हमें ये देखना है कि किसकी कंडक्टिविटीज़ हमें गिवन है और किसकी कंडक्टिविटीज़ हमें गिवन नहीं है। बस हमें यही देखना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके बेसिस पर हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 3.4। बेटा आपकी बुक में जो टेबल 3.4 दी है उसमें इनकी कंडक्टिविटीज दी हुई है इंडिविजुअल आयंस की, कैल्शियम आयन की, क्लोराइड आयन की, मैग्नीशियम आयन की एंड सल्फेट आयन की। वो हम वहाँ टेबल से नोट करेंगे और टेबल से नोट करके हम यहाँ पुट करेंगे। पहले मैं आपको एक बात ज़रा समझाना चाहती हूँ। यू कैन सी हेयर दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है उसमें कैल्शियम का एक आयन आएगा और क्लोराइड के दो आयन आएंगे। तो यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, आपको यहाँ पर ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट्स की तरह लाना है क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड के दो आयन हैं। अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी लिमिटिंग वैल्यूज हैं कैल्शियम की और क्लोराइड आयन की, वो हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे, जो टेबल हमें दी हुई है। दिस इज टेबल 3.4, यहाँ से आप सबकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। कैल्शियम की 119.0 है, मैग्नीशियम की 106.0 है, क्लोराइड की आपकी आयन की 76.3 है और सल्फेट आयन की बेटा आपकी 160.0 है। ये चारों वैल्यूज आपने यहाँ से नोट कर ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा से। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम की वैल्यू हमने रखी 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब टू, जो क्लोराइड के एक आयन की है 76.3, टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मूले में हमारे दो क्लोराइड के आयन आएंगे, इसीलिए दोनों को सिंपली ऐड करेंगे एंड वी गेट द आंसर। इन द सेम मैनर मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट के डिसोशिएट होने पर एक मैग्नीशियम का आयन आएगा और एक सल्फेट का आयन आएगा। सिंपली पुट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एंड ऐड देम, उनको ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने अभी डील करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन दैट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का गेम है अगला क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में कहा है मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, ये जो AC है दिस इज एसीटेट, सोडियम एसीटेट, आपको तीनों की दी है और आपसे पूछा है आपको HAC का मतलब है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड को आप कैसे इनको जोड़ तोड़ कर बना सकते हैं। आप देखिए, आपको H पॉजिटिव चाहिए AC, नेचुरल सी बात है, H यहाँ है और AC यहाँ है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें Cl एक्स्ट्रा है, इसमें Na एक्स्ट्रा, उसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आप देखिए यहाँ पर भी यही किया गया है। इन सब की मोलर कंडक्टिविटीज को एसिटिक एसिड की बनाने के लिए इसमें हमने हाइड्रोजन, क्लोराइड, एसिटेट आयन और सोडियम की प्लस की हैं, क्लोराइड और सोडियम आयन की माइनस कर दी हैं, तो व्हाट वी गेट एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज। यही एप्लीकेशन है खोलराउशला की भी। खोलराउशला कहता है कि जो आयन्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, वो हर एक आयन अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले करता है और खोलराउशला ने बताया कि जो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उनका डिसोसिएशन भी हम 100% मान लेते हैं जब हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो इनफाइनाइट चली जाए, मतलब हम उसको इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें सॉल्यूशन को कि इनफाइनाइट टाइम्स तक हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो हमारा जो वीक से वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा उसका भी क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच वी कैरीड आउट दीज न्यूमेरिकल्स। अभी मैं एक न्यूमेरिकल और डील करूंगी, जो थर्ड न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है 3.9।
मोनोमेरिकल क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, मतलब द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलर पर लीटर, ये कंसेंट्रेशन दी है आपको, उसकी कंडक्टिविटी जो है दैट इज 4.95 × 10⁻⁵ साइमन्स पर सेंटीमीटर। इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सीधा हम क्या करेंगे, पहले मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी से हमें पता है अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा कैलकुलेट करने के बाद एसिटिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड वाला हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे वो सारे फार्मूला बेस्ड हैं। बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत कुछ करने की इस न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं है। मेन थिंग इज दैट आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए और आपको तरीका आना चाहिए, यू कैन ईजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये तीन न्यूमेरिकल्स आज हमने सॉल्व किए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने स्टार्टिंग की थी जब इस चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक बार हम फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स लगानी पड़ती है, मतलब उसमें हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैरी कराते हैं, उसमें हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो एनर्जी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के होने से रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में स्टोर करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराने में। तो ये वही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो हम अपनी विल से कराएंगे, अपनी मर्जी से। तो इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लैबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम उसके अक्रॉस एक डीसी वोल्टेज लगा दें तो क्या होगा? हमने यहाँ पर एसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि एसी वोल्टेज क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो बार बार अपनी पोलैरिटी बदलेगी जिस वजह से हमारा प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करंट ही लेंगे, एसी नहीं लेंगे। रीजन इज दैट आपने ये टॉपिक टेंथ क्लास में भी पढ़ा है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगर आपको याद हो क्लास टेंथ में आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोड पर कॉपर का डिपोजिशन होता है जबकि वहीं पर दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर रिलीज होकर सॉल्यूशन में जाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इसको लर्न कीजिए और डिफरेंस को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। नाउ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आज मैं इसके बारे में डील करूंगी। हमने ये तो हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा कि उसमें एक इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिट हुआ, दूसरे इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिट नहीं हुआ, वहां से रिलीज हुआ। आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव मतलब किस तरीके से कैलकुलेट करें कि कितना मेटल एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। दिस वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय फैराडे, माइकल फैराडे ने पहली बार ये डिस्कशन किया और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दिया इलेक्ट्रोलिसिस का। उन्होंने इसको डील करने के लिए दो लॉज दिए हैं। टुडे आई वॉन्ट टू डिस्कस ओनली द टू लॉज एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज टू लॉज आई विल डिस्कस इट टुमारो। वॉट इज द फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या था? द अमाउंट ऑफ केमिकल करंट, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उसने क्या कहा कि जितना अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी देर तक आप करंट पास करेंगे। मतलब आप जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा डिपॉजिशन होगा, जितने कम टाइम तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उतना कम डिपॉजिशन होगा। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है अगर आप सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, अलग अलग सेल बनाकर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से ट्रांसफर करते हैं, उसमें पास करते हैं, तो क्या होगा कि जो एलिमेंट डिपॉजिट होगा, जो एलिमेंट डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके केमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, उनके केमिकल इक्विवेलेंट्स के
डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. तो दिस इज द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में वो कहता है आप अलग अलग सेल ले लीजिए, एक जिंक का ले लीजिए, एक कॉपर का लगा लीजिए, एक निकल लगा लीजिए, उन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए इक्वल टाइम तक के लिए, तो सेम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, तो वो जो आपका रिलेशनशिप निकल कर आएगा वो केमिकल इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगी. आज के लिए इतना ही. इसके नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया.